हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी लेके आए पतीसा की बर्फी, जिसका टेस्ट आपको मार्केट की बर्फी से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक कटोरी मैंने देसी खांड ली है, आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं, उससे आधा लेंगे पानी। खांड हेल्दी ऑप्शन है तो मेरी तरफ से माने तो आप खांड का ही यूज़ करें। उसको एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। इसमें मैंने दो हरी इलायची ले ली है, अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। ये इसमें बॉयल आ गया है, इस तरह से थोड़ी देर में साफ़ हो जाती है खांड की, थोड़ी सी देखने में ऐसे लगती है पर हेल्दी ऑप्शन है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर लिया है एक पिंच। एक तार की चाशनी बनानी है, तार मोटा बनना चाहिए, अगर आपने तार अच्छे से नहीं बनाया तो आपकी बर्फी बिल्कुल भी सेट नहीं होगी। चाशनी ही इसमें मेन काम है, आप इसको ध्यान से देखें। लास्ट वाली ड्रॉप जब गिरती है तो वो लंबी तार की तरह गिरनी चाहिए। आप चाशनी को इस तरह से बनाएं और चेक करें, उसमें एक बड़ी सी तार आनी चाहिए, बिल्कुल बड़े वाली, एक से डेढ़ तार की चाशनी हो जानी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। एक कटोरी मैंने इसमें बेसन लिया है, ये राजधानी बेसन है, और एक कटोरी लिए मैदा। पतीसा में मैदा और बेसन दोनों बराबर क्वांटिटी में डलता है, तभी उसका टेस्ट बेसन की बर्फी से अलग आता है। अगर आपने पूरा बेसन लिया तो वो बेसन की बर्फी जैसा टेस्ट आएगा। अगर आप पतीसा में मैदा ज़रूर डलता है, इसलिए उसमें मैदा ही डाली जाती है, गेहूं का आटा नहीं लेना क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और कुछ इसमें अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम इसको ड्राई इस तरह से ही रोस्ट करेंगे। जब ये 5 मिनट आपने रोस्ट करने के बाद ही इसमें घी डालना। उसी कटोरी के नाप से एक कटोरी घी लिया है, घी मैंने अभी आधे से थोड़ा ज़्यादा लिया है, थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भूनेंगे लो फ्लेम पर। गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से इसमें पक जाएँ। मिठाई का टेस्ट तभी अच्छा आता है जब वो लो फ्लेम पे बनाई जाती है, अगर आप हाई करके बनाएंगे तो जल्दी भुन जाएगा पर वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। पूरा घी मैंने इसमें डाल दिया है, घी में कंजूसी नहीं करना, नहीं तो पतीसा नहीं बनेगा, बर्फी बन जाएगी। अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, आपने नाप का ध्यान रखना है और लो फ्लेम पर पकाना है। चाशनी अच्छी बनानी है, आपकी बर्फी एकदम परफेक्ट बनेगी, कभी भी ख़राब नहीं बनेगी, पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट आपकी रेसिपी बनेगी। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो, जब स्किप करके देखते ना तब चीज़ अच्छी नहीं बनती है। तो इसको मैं लो फ्लेम पर ही इस तरह से पका लूँगी दबाते हुए, उसी में जब ये पकेगा तो अपने आप ही थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें और उसको चलाते रहें, छोड़े ना इस टाइम पर, अगर छोड़ेंगे तो जल जाएगा। जब भी मिठाई बनाएं तो बर्तन हमेशा मोटे तले का ही ले, तभी मिठाई परफेक्ट बनती है। अच्छे से इसको चलाते हुए पकाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। इस तरह से इसको चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। ये अच्छे से पक गया है, बिल्कुल ये घी छोड़ दिया इसने, इस तरह का लिक्विड हो गया है और देखने में थोड़ा दानेदार लग रहा है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। लो फ्लेम पे ही पकाना है, जब इस तरह का पक जाए तब आपका मिक्सचर रेडी है, फिर हम इसमें चाशनी ले लेंगे जो हमने बना के रखी है। गैस मैंने बंद कर दी है, बंद करने के बाद ही आपने इसमें चाशनी डालनी है। चाशनी एक से डेढ़ तार की होनी चाहिए, पतली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसको चला देंगे, चाशनी डालते ही गैस बंद करने के बाद में इसमें इस तरह से झाग उठ जाते हैं, तो चलाते रहें जब तक ये थोड़ा सा ठंडा ना हो। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद अपने कमेंट ज़रूर शेयर करना मेरे साथ कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अब इसके झाग थोड़े से कम हो गए हैं, अब ये सेट होने के लिए तैयार है मिक्सचर। अगर आप इसको छोटे बर्तन में डालेंगे तो वो जाली वाला आपका बन के तैयार हो जाएगी। कौन सी मिठाई होती है वो नाम बताना मुझे कमेंट में। इस तरह से इसको सेट कर दें, घी इसमें अच्छे से डालें और एक तार की चाशनी रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नाप और बिल्कुल परफेक्ट तरीका, आसान तरीके से हमने बनाया है। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपी मिलेंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पर विजिट करें। अब इसको फैला देंगे, जितना मोटा है पतला अपने आपको चाहिए उस तरह से इसको फैला दें। बिल्कुल आसान है मिठाई बनाना, बस थोड़ा ध्यान से देखना है और पेशेंस से बनाना है तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ऊपर से मैंने इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया, ये आपकी मर्जी, आपने करना है या नहीं करना है। ड्राई फ्रूट की इसके में कोई ज़रूरत नहीं, इसका अपना ही टेस्ट बहुत ही औसम है। एक बार ज़रूर बनाना और बनाने के बाद कमेंट ज़रूर शेयर करना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर कहीं किसी रेसिपी में कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है।
ये हल्की ठंडी होगी है, पूरा ठंडा नहीं करना है इसको, हल्के ठंडे में ही आपने इस पर कट के निशान लगा देने हैं, क्योंकि जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद कट के निशान लगाएंगे तो वो बिखर जाएंगे। पहले ही कट के निशान लगा दे, छोटे या बड़े कैसे आपने करने हैं वो आपकी मर्जी है। घी देखो जो उसमें एक्स्ट्रा है वो साइड में आने लग गया है। इस तरह से मैंने इसके मीडियम साइज़ के पीस तैयार करे हैं। कट पहले से ज़रूर लगा देना याद से, ठंडा होने से पहले ही, क्योंकि बाद में लगाएंगे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ये ठंडा हो गया है बहुत अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गए हैं। बहुत ही ये मिठाई क्रिस्पी होती है और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली होती है, बहुत ही टेस्टी होती है, बिल्कुल अनोखा इसका टेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए मैं सबको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से सेट हुई है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसी तरह की आसान और हेल्दी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिठाइयाँ घी में ही बनती है इसलिए मैंने इसको देसी घी में बनाया है, आप चाहो तो आधा तेल या आधा घी भी ले सकते हैं, पर घी के साथ ही बनाएंगे तो ही मिठाई ज़्यादा अच्छी लगती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली और अच्छी बढ़िया ऐसी रेसिपी में, जब तक के लिए बाय।